मुलाना के अम्बाहा की बात करते हैं, जहां पर इन दिनों चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। एक बार फिर चोरों ने अपने शातिराना अंदाज दिखाया और किसानों से लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सदर बाजार में घटना को अंजाम दिया है चोरों ने, इसको सर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये प्रभुराज सिंह तोमर हैं जो रछेड़ और थाना महुआ के रहने वाले हैं। इनके यहाँ परिवार में कोई बच्ची की शादी है, तो अम्बा कस्बे से सेंट्रल बैंक से ने 81,000 रुपये निकाले। निकालने के बाद वहीं बैठकर गिनने के बाद में ये झोले में रख के पैदल चल दिए वहाँ से। सदर बाज़ार में इन्हें देखा कि मेरे कपड़ों में कोई गंदगी लगी है, तो थोड़े आगे गए सब्जी मंडी के पास में, वहाँ इन्हें झोला रख दिया, कपड़े उतारे, वहाँ धोने लगे। धोने के बाद में फिर इन्हें देखा झोला नहीं है, कोई वहाँ से उठा ले गया था इनका झोला नहीं है। उसमें पुलिस ने अपराध कायम करके तलाश कर रही, फुटेज देख रही वहाँ पर, और दो टीमें रवाना हो चुकी हैं, तलाश में कार्रवाई की रही, बहुत जल्दी पकड़ा लेंगे। हाँ दादा जी, क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह तोमर। कहाँ के निवासी हो? अच्छा, तो आपके जो पैसे आज जो चोरों ने अंजाम दिया है, वो कहाँ की घटना है? अम्बा की। किस जगह से? सदर बाजार से। अच्छा, पैसे जैसे आप कहाँ से लाए थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अम्बा से। अच्छा, तो सदर बाजार में जैसे आपके साथ में जो घटना, कैसे हुई, आपको पता चला कब क्या हुआ? हमारे ऊपर गंदगी डाली हुई है। अच्छा, उसके बाद हमने आगे जाके देखा तो गंदगी हमारे पूरे शरीर पर पड़ी हुई थी, तो उसको हमने जाके हेडपम्प पर, आगे हेडपम्प था उसको हमने सर्च किया, इतने में ही हमारे झोले को लेके भाग गया। कितने पैसे थे उसमें? 81,000। सेंट्रल बैंक से निकाल लेते हैं।